हाय फ्रेंड्स, जो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ये है सीक्वेंशियल लॉजिक। सबसे पहले इसकी कुछ बातें समझ लेते हैं, डेफिनेशंस वगैरह टाइप की, जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरी है जो आपको बहुत नीडफुल है मतलब समझना। तो पहला पॉइंट है रेफर्स, मतलब कि जो सीक्वेंशियल लॉजिक है ना वो रेफर करते हैं टू डिजिटल लॉजिक सर्किट। लॉजिक सर्किट मतलब कि लॉजिक गेट्स का जिसमें कॉम्बिनेशन बैठेगा, इन विच आउटपुट नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन करेंट इनपुट, जिसमें जो आउटपुट होगा ना आपका वो सिर्फ करेंट इनपुट पर नहीं डिपेंड करेगा बट आल्सो ऑन द प्रीवियस इनपुट वैल्यूज। ठीक है, मतलब जो इनपुट वैल्यू आपके पास में आई होंगी ना उसका भी आपको नीड होगा ताकि आप फाइनल आउटपुट निकाल सको। ठीक है, इन द करेंट स्टेट ऑफ सर्किट, ये करेंट वाला जो है वो उस करेंट का मतलब है जो अभी लगातार वाला चल रहा है, इस करेंट का मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी वाला करेंट नहीं है। ओके, सेकेंड पॉइंट इज टू स्टोर एंड यूज प्रीवियस इनपुट वैल्यूज, इसका ये मेन काम होता है। थर्ड पॉइंट इज इट्स अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, जो इसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारे पास में दिस वन इज फ्लिप फ्लॉप, और फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो बेसिकली बना होता है एस आर लैच के द्वारा। तो एस आर लैच वगैरह क्या होता है वो भी हम पढ़ते हैं। बाकी फ्लिप फ्लॉप हैज टू टाइप ऑफ इनपुट, एक होता है आपका क्लॉक इनपुट और एक होता है आपके पास में डाटा इनपुट। एक इसका ब्लॉक डायग्राम देख सकते हो आप, इनपुट है हमारे पास में ब्रैकेट के अंदर, उसमें मैंने क्यू दिखाने की कोशिश की है, और एक आउटपुट है क्यू बार। अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हो तो रेड वाले में मेमोरी एलिमेंट जो मैंने आपका लिखा हुआ है ना, इसमें एक सर्किट वापस जा रहा है आउटपुट से होता हुआ इनपुट के अंदर दोबारा से। ठीक है, और ये जो आउटपुट से होता हुआ इनपुट में जा रहा है इसका मैं अभी मतलब आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम इसमें एक बात समझ लेते हैं कि एक्सेप्ट अदर लॉजिक सर्किट वेयर इनपुट और आउटपुट ओनली कंसिडर्ड, मतलब यहाँ पे बेसिकली है ना कोई और सर्किट हमारे पास में ऐसा नहीं होता जहाँ पे इनपुट और आउटपुट दोनों को मतलब बेसिकली मतलब जो और होते हैं हमारे पास सर्किट उनमें इनपुट और आउटपुट दो ही को कंसिडर किया जाता है, मगर यहाँ पे क्या किया जाता है इस केस के अंदर, ये जो आप देख रहे हो ना इनपुट प्लस प्रीवियस आउटपुट, तो इसको दोनों को मिक्स के फॉर्म में देखा जाता है ताकि आप पे नेक्स्ट आउटपुट मिल सके। ठीक है बच्चों, नाउ अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमारे पास में है एस आर लैच। ठीक है, तो एस आर लैच में आपको क्या करना है, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारे पास में और मेन यूनिट होता है किसी भी सीक्वेंसर सर्किट का। अभी हम आगे चल के मतलब कि जे के फ्लिप फ्लॉप वगैरह करेंगे, डी फ्लिप फ्लॉप करेंगे, तो उन सब में हमको यूज होगा इन सब चीज़ों का। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझ लो कि इसमें बेसिकली होता क्या है, सर्किट जो होता है वो आपका कुछ इस तरीके से लेके जाना पड़ेगा आपको। ओके, इसमें होता क्या बच्चे, देखो एक होता है एस और एक होता है आर, और यहाँ पे हमने बोला है क्यू। ठीक है ना, तो एस आपके पास में ये वाला इनपुट हो जाएगा, आर ये वाला हो जाएगा, जिसमें दो नैंड गेट आपका यूज हो रहे हैं, ये क्यू और क्यू आर जो हमारे पास में, दीज आर द आउटपुट वाली फॉर्म। ठीक है ना, मगर एक्चुअली में हम लोग करते क्या है, हम लोग बात जो करते हैं वो क्यू आर को आउटपुट के फॉर्म में रखते हैं, एंड एस आर एंड जो क्यू ये दिख रहा है आपके पास में इनपुट के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो आपको अगर जैसे मान लो कि ये सब चीज़ें करनी है तो इसमें क्या कैसे निकाल सकते हो, देखो केसेस हमारे पास में होंगे 00, 01, 10 और 11। ठीक है, अब एक बात समझो आप कि क्योंकि हमारे पास में नैंड गेट का यूज़ हो रहा है, तो नैंड गेट में हमारे पास में जनरली होता क्या है कि अगर आप पे एक भी इनपुट ज़ीरो है, ठीक है, दूसरा वाला चाहे वन रहे या फिर ये ज़ीरो रहे, ठीक है ना, तो अगर ये दोनों इनपुट के तौर पर हमारे पास में आ रहे हैं तो आउटपुट हमारे पास में हमेशा क्या आता है वो वन आएगा। ठीक है ना, क्यों, बिकॉज नैंड गेट का कंडीशन क्या कहते हैं कि जो पहला वाला इनपुट है हमारे पास में और जो दूसरा वाला इनपुट है उन दोनों को डॉट करके उनका बार बनाओ, तो जीरो इंटू आप चाहे जीरो करो या जीरो इंटू वन करो, ठीक है, तो आएंगे तो जीरो। ठीक है, उसका बार जब करोगे तो वो हमेशा क्या आएगा, वो वन आता है। सो आपके पास में जीरो वन करो या वन जीरो करो, उसमें आउटपुट के तौर पर हमारे पास में वैसे भी बनाना है। ठीक है, मतलब फॉर द पर्पज अगर हम एक बात समझें, मीन्स हम एक केस लेके चलते हैं, देखो बच्चे मतलब जैसे लेट सपोज हमने एस को जीरो रखा, ठीक है, और आर को हमने पहले केस में मतलब वन रख दिया, तो इसमें क्या होगा, ये वाला जो जीरो होगा हमारे पास में अगर यहाँ पे इनपुट के तौर पे आ रहा है तो ये आउटपुट के तौर पे हमको हमेशा पक्की बात है कि वन देगा। अब जो ये वन दे रहा है ना, तो ये वन यहाँ से होता हुआ आके आपके पास यहाँ आ रहा है, तो ये वाला भी वन हो जाएगा। वन और वन अगर हमारे पास इनपुट के तौर पर आ रहा है तो वन और वन के लिए हमारे पास में क्या होगा, वन डॉट वन का बार विच इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्योंकि वन वन सा वन होता है, वन का उल्टा जीरो होता है, सो दिस वन कम्स आउट टू बी जीरो। तो क्यू बार की वैल्यू आप पे क्या आ जाएगी बच्चे, जीरो। अब जब ये जीरो आपके पास में इनपुट के तौर पे आ चुका है तो इस जीरो को आप क्या करोगे, यहाँ से इस जगह से होते हुए ट्रांसफर कर दो मान लो। ठीक है, फिर ये क्या होगा, जीरो जीरो। अगर ये जीरो जीरो हो जाता है, मान लो ये वाला दोनों जीरो हो गया,
तो जीरो जीरो का मतलब क्या हो गया कि एक भी इनपुट अगर जीरो है तो ये वाला फिर से वन देगा, ठीक है। फिर ये यहाँ से होता हुआ वन अगर आएगा तो ये वन और ये वन मिला के फिर जीरो देगा, मतलब अगली बार भी क्या होगा ये वाला वन और उसके बाद में जीरो। और ये आप रिपीटेडली बार बार जब जैसे मतलब इस जीरो के लिए फिर करोगे तो यहाँ पे तीसरा वाला वन क्रिएट हो जाएगा, इस वन को फिर यहाँ पे भेजोगे तो यहाँ पे एक और जीरो क्रिएट हो जाएगा। तो क्योंकि ये हर बार है ना मतलब कि एक ही सीक्वेंस दिए जा रहे हैं इसलिए इसको सीक्वेंसियल लॉजिक बोलते हैं। और ये SR का एक लैच है हमारे पास में जिसका यूज हम करेंगे आगे आने वाले और भी सर्किट्स में, जिसका वीडियो अभी हम थोड़ी देर में अपलोड करने वाले हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम मतलब कि बेसिकली देख सकते हैं ये हमने जो कंडीशन ली थी वो 01 के लिए ले ली थी, और इसी तरीके से हम बाकी केसेस भी ले सकते हैं, आप कोई भी केस लेके देख लोगे। बस हाँ, इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारे पास में कभी कभी आ जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग 11 वाली कंडीशन। 11 वाली कंडीशन में एक्चुअली होल्ड वाली कंडीशन पर चले जाते हैं, होल्ड पर इसलिए चले जाते हैं बिकॉज यहाँ पर टॉगलिंग हो जाती है, इस जगह पर आपको टॉगलिंग देखने को मिलती है। रीजन बिहाइंड दिस इज देखो क्या होता है कि अगर 1-1 वाला होगा तो आपने एक वाला बेसिकली मतलब देखो जैसे 1 वाला आ रहा है तो 1 तो यहाँ पे हमारे पास में इधर भी आएगा और ये भी आएगा, बट आप यहाँ पे ये दोनों पता नहीं लगा पाओगे, ठीक है। अगर ये पता नहीं लगा पाओगे तो आपके पास में हो क्या सकता है, या तो यहाँ से 1 आए और इस वाले में आपके पास में क्या आए क्यू, तो आपके पास में एक केस तो बन सकता है कि 1.क्यू, और या फिर दूसरा बन सकता है कि इधर से आप 1 दे दो और यहाँ से क्यू बार आके आपके पास में आ जाए, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.क्यू बार, और क्योंकि नैंड गेट है तो दोनों के ऊपर आप बार लगाओगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द डी मॉर्गन देखोगे तो 1 बार प्लस का क्यू बार, ठीक है, और इस वाले में क्या देख सकते हो 1 बार प्लस का क्यू बार का बार, ठीक है ना। तो 1 बार जो होता है वो तो हमारे पास में जीरो आता है और क्यू बार की वैल्यू हमारे पास में क्यू बार होगी विच इज इक्वल टू क्यू बार, ठीक है। और अगर इसकी बात करते हैं तो 1 का जो कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास में दिस वन इज जीरो, और क्यू बार का बार जो होगा वो एक्चुअली में क्यू होगा, ठीक है। तो 1-1 देने पे आपके पास में क्यू बार और क्यू दोनों केस हमारे पास में आ सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं होल्ड की कंडीशन, बाकी में आपके आउटपुट निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसा लैच का एक बेसिक सर्किट था हमारे पास में। अभी आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम आगे वाली चीज़ें और अच्छे से देखते हैं।